वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3। लेट्स बिगिन विद द क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो दो टाइप की सॉइल देखी थी हमने। वन इज जो सेडिमेंट्स हमारे पेरेंट रॉक के पास ही रह जाते हैं, दैट इज रेसिडुअल सॉइल। एंड द अनदर वन इज दो एजेंट्स के हेल्प से जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देयर वाज वन एजेंट वाटर, एयर, ग्रेविटी, ऑक्सीडेशन। जहां पर हमने वाटर की वजह से तीन टाइप्स की सॉइल देखी थी। वन इज एलुवियल सॉइल, अनदर वन इज लैक्युस्ट्राइन एंड अनदर वन इज मैराइन सॉइल। लेट्स टेक द अनदर कलर, लेट्स टेक ब्लू। सो एजेंट ऑफ एलुवियल सॉइल वॉज रनिंग वाटर एंड द एजेंट ऑफ लैक्युस्ट्राइन सॉइल वॉज द लेक, वेयर एज एजेंट ऑफ मैराइन सॉइल वॉज द सी। वहीं पे अगर एयर एजेंट होता तो उसकी वजह से दो टाइप की सॉइल थी, वन इज एल्यूएन एंड अनदर वन इज लुइसिस। सो इन एल्यूएन इट वॉज अ लिटिल बिट कोर्स पार्टिकल्स इन कम्पेयर टू लुइसिस। लुइसिस हमारा सिल्ट डिपॉजिट थे, इसके पार्टिकल्स फाइन पार्टिकल थे। इसी में वाटर के कॉन्टेक्ट में आने से सीमेंटिंग प्रॉपर्टी देखी जाती थी। वेयर एज इट ऑल्सो हैव अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ मोंटमोरलाइट था, उसमें क्ले का परसेंटेज था। तो ये लोड बियरिंग कैपेसिटी के लिए इतना अच्छी टाइप की सॉइल नहीं थी। वहीं पे जब स्लोपी माउंटेन एरिया की बात करी जाती है तो वहां पर हमने ग्रेविटी के डिपॉजिट के कारण को एल्यूवियल सॉइल देखी थी, एल्यूवियल सॉइल और टेलस, उसे टेलस भी कहा जाता है। तो ये स्लोपी माउंटेन एरिया में मोस्टली फाइंड किए जाते हैं। जो बिग माउंटेन रॉक्स थे वो ग्रेविटी के वजह से उसके सेडिमेंट्स नीचे आ जाते थे, तो वो कोल्यूवियल सॉइल था। वहीं पे जब रॉक पे ऑक्सीडेशन होता था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब उस सॉइल का, रॉक का ऑक्सीडेशन हुआ तो लैटराइट सॉइल हमें मिली थी। महाराष्ट्र साइड में हमें ब्लैक सॉइल देखी गई थी, जहाँ पे ब्लैक सॉइल की खास बात क्या है कि इट इज वेरी गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। वेयर इज वेन वी टॉक अबाउट सिविल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट, तो इसमें वाटर के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से श्रिंक स्वेलिंग हो जाती थी और ड्राई होने की वजह से इसमें श्रिंकेज हो जाती थी। तो स्वेलिंग और श्रिंकेज देखने की वजह से इट वॉज नॉट दैट मच गुड सॉइल फॉर सिविल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट। वहीं पर एक और टाइप की सॉइल हमने देखी थी, वन इज ऑर्गेनिक एंड अनदर वन इज इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक क्या था, जिसमें कार्बन कंटेंट होगा, जैसे कि ह्यूमस था, पीट था। वहीं पर इनऑर्गेनिक क्या थे, जो ग्रेवल सिल्ट जो थे जिसमें कार्बन का कंपोनेंट नहीं होगा, वो इनऑर्गेनिक सॉइल था। तो ये हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था। नाउ लेट्स बिगिन विद अनदर टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की बात करेंगे, जहां पर लेट मी मेक द पेन साइज बी 4। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी सॉइल। तो पहले हम बात करते हैं जो भी हमारे मैटर होता है। मैटर हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मैटर में हमें तीन टाइप की चीजें मिलती है। वन इज सॉलिड, जैसे आप देख सकते हो, सॉलिड, वाटर एंड लिक्विड। तो सॉइल भी हमारा एक मैटर है, जिसमें हमारे सॉलिड भी प्रेजेंट होंगे, वाटर भी प्रेजेंट होगा और एयर भी प्रेजेंट होगा। जब हम रियल लाइफ की बात करते हैं तो रियल लाइफ में जो है हमारे सॉइल ऐसी दिखती है, मतलब सॉइल होगी उसमें जो उसके वॉइड्स है वहाँ पे एयर और वाटर प्रेजेंट होगा। पर हम जब रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन। अब हम सॉइल में जब भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। यहाँ पर हम सॉइल सॉलिड्स दिखाएंगे, फिर वाटर एंड एयर, करेक्ट। इस साइड पे हम मास की बात करेंगे, यहाँ पर हम मास को दिखाएंगे। वहीं पे अगर इस साइड की बात करते हैं तो हम यहाँ पर वॉल्यूम को शो करेंगे। तो वॉल्यूम विल बी रिप्रेजेंटेड एट दिस साइड एंड मास विल बी रिप्रेजेंटेड एट दिस साइड। मास एंड वेट, तो यहाँ पे हमारा एक टर्म होता है जैसे कि मास और वेट। तो मास और वेट में क्या डिफरेंस है कि मास जो है मेरा कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, ये कॉन्स्टेंट है, इसको हम एम से शो करते हैं। वहीं पे वेट क्या है, वेट मेरा चेंज होता रहता है, वेराइंग क्वांटिटी है, क्योंकि इस जब हम ग्रेविटी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं मास में तो हमें वेट मिलता है। तो अर्थ पे मान लीजिए जी है, तो मून पे हमारी इसकी 1/6 होती है, तो मून पे हमारा वेट चेंज हो जाएगा। तो मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, वहीं पे वेट हमारा वेराइंग क्वांटिटी है। मास की यूनिट हमारी होती है किलोग्राम, ग्राम, और वेट की न्यूटन, किलो न्यूटन, ठीक है। तो अब हम ये भी जानते हैं कि मास ऑफ सॉलिड को हम किससे शो करते हैं, ms से। मास ऑफ वाटर को हम शो करेंगे mw से, और मास ऑफ एयर को हम शो करते हैं ma से। वॉल्यूम की जब बात करते हैं हम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज vs, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज vw, वेयर इज वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी शोन बाय va। तो जो सॉलिड्स हैं, जो सॉइल के सॉलिड्स हैं, उन्हीं के जहाँ पे गैप होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, गैप में ही हमारे एयर और वाटर प्रेजेंट होता है, तो इसी को हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी बोलते हैं। तो एयर और वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम कंबाइन करके हम उसे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बोलते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं मास ऑफ एयर की, तो पहली बात लेट्स टेक वॉल्यूम, हम जो वॉल्यूम सैंपल ले रहे हैं उसका कॉन्स्टेंट मानते हैं, तो हमें पता है कि डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम।
हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लिया, तो जो हमारी इनऑर्गेनिक सॉइल होती है, जो सॉइल है हमारी, उसकी डेंसिटी बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 2650 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के इक्वलेंट होती है। वहीं पे अगर हम वाटर की बात करते हैं डेंसिटी की, तो वाटर की डेंसिटी होगी हमारी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एंड वेन वी टॉक अबाउट द एयर, सो इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फाइन, तो अब सॉइल और वाटर के कंपेयर में जो हमारे एयर की डेंसिटी है, व्हेन वी कंपेयर द डेंसिटी ऑफ एयर इन कंपेयर टू सॉइल एंड वाटर, वी विल सी दैट इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो हम मास, हमने वॉल्यूम ऑफ सैंपल इक्वलेंट मारना है सबके लिए, वॉल्यूम जो इक्वलेंट मारना है। तो अब मैं अगर डेंसिटी को देखूँ, तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो एयर की जो मेरी डेंसिटी है वो कम है इन कंपेयर टू सॉइल एंड वाटर, सॉलिड्स एंड वाटर। तो हम वाटर की जो जो हमारा एयर का जो मास है उसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, इसलिए हम मास ऑफ एयर नहीं लेते हैं। तो एम ए की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। वहीं पे अगर हम दूसरे फेज सिस्टम की बात करें, तो देर इज टू फेज सिस्टम। वन जो हो सकता है कि वॉइड्स हमारे फुली एयर से फिल्ड हो, तो जब मेरे सारे वॉइड्स एयर से फिल्ड होंगे तो उस टाइप की सॉइल को हम ड्राई सॉइल बोलेंगे। वहीं पे अगर मेरे वॉइड्स वाटर से फिल है तो हम उसे सेचुरेटेड सॉइल बोलेंगे। अगर वॉइड्स मेरे फुली वाटर से फिल है तो उसे हम फुली सेचुरेटेड सॉइल बोलेंगे। तो सिंबल हम देख लेते हैं, एम एस हो जाएगा, हम एम ए मानते ही नहीं है। वहीं पे अगर हम इसकी बात करते हैं सेचुरेटेड सॉइल की, तो वाटर का एम डब्ल्यू हो जाएगा, सॉलिड्स का एम एस हो जाएगा। वाटर के वॉल्यूम वाटर डब्ल्यू एंड वाटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वेयर एज इट इज वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। नाउ बेसिकली जब हम बात करते हैं ड्राई सॉइल की, जब ड्राई सॉइल की कंडीशन होगी, तो अगर कोई पूछेगा कि सॉइल का वॉल्यूम क्या है, तो हम पहली बात तो किस तरीके की सॉइल बोल रहे हैं, सॉरी सॉइल का मास क्या है, तो हम ड्राई सॉइल बोल रहे हैं। तो हमने सॉइल के मास को, टोटल जो सॉइल है उसके मास को हमने डिनोट किया एम डी से। तो इन स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट ड्राई सॉइल, तो जो मेरा सॉइल का मास है, जो ड्राई सॉइल का मास है, वो इक्वलेंट हो जाता है मेरे सॉलिड के मास से। इसी कंडीशन में हम एम डी को एम एस भी लिख देते हैं। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एम डी मतलब, मोस्टली लोग एम एस को एम डी किसी भी कंडीशन में लिख देते हैं, बट नहीं, ये मोस्टली ड्राई कंडीशन में होता है। ड्राई सॉइल में क्या हुआ कि एयर का वॉल्यूम, एयर का मास तो हमने वैसे भी नेग्लिजिबल माना है, तो पूरी सॉइल हमारी सॉलिड में है, तो इसका मतलब जो मेरा सॉइल का मास है वो सॉलिड के मास के इक्वलेंट हो जाएगा। वहीं पे जब हम फुली सेचुरेटेड सॉइल की बात करते हैं, तो जो हमारा टोटल मास होगा सॉइल का, वो सॉइल सॉलिड्स के मास प्लस वाटर के मास के, वाटर के मास के इक्वलेंट होगा। करेक्ट। वहीं पे अगर हम बात करते हैं फुली सेचुरेटेड सॉइल में, तो वॉइड्स हमारे किससे फुलफिल्ड हैं, वाटर से, और ड्राई सॉइल में हमारे वॉइड्स किससे फुल्ड हैं, एयर से। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज वाटर कंटेंट। तो अगर मैं वाटर कंटेंट की बात करती हूँ, तो वाटर कंटेंट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉइल। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, पहली बात तो स्मॉल डब्ल्यू से हम इसको डिनोट करते हैं, और ये डिफाइंड कैसे होगा, सो इट इज अमाउंट, इट इज अ अमाउंट ऑफ वाटर विच इज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉलिड्स ऑफ सॉइल, सॉल सॉलिड्स इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि जो वाटर है गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो अगर हमने कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉइल उठाया, जिसमें भी हम सॉलिड सॉइल, जो सॉइल सॉलिड्स हैं, उसमें कितना वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर मेरा प्रेजेंट है, मतलब उसमें हमारा कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, इस रेशियो को हम वाटर कंटेंट बोलेंगे। एग्जैक्टली, लेट्स टेक द अनदर पेन, लेट्स टेक येलो। ओके, तो स्मॉल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर और मास ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स या फिर मास ऑफ सॉलिड्स। तो स्मॉल डब्ल्यू क्या हो गया हमारा, वेट ऑफ वाटर विच इज प्रेजेंट इन द विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉइल। तो जितना भी सॉइल सॉलिड है उसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, इसी रेशियो को हमारा वाटर कंटेंट शो करता है। वहीं पे अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स रेंज, तो हो सकता है कि हमारा डब्ल्यू 0 हो। अब अगर 0 है तो वो किस कंडीशन में होगा, जब मेरा वेट ऑफ वाटर 0 हो जाए। वेट ऑफ वाटर कब 0 होगा, जब मेरी ड्राई कंडीशन होगी। तो जब ड्राई सॉइल है तो मेरा वेट ऑफ वाटर 0 हो जाएगा। वहीं पे अगर हम अपर लिमिट की बात करते हैं, तो वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉइल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम इसकी कोई भी अपर लिमिट डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब इसकी कोई भी अपर लिमिट हम डिफाइन
नहीं कर सकते। लेकिन अगर कभी एमसीक्यू में ऐसा लिखा होता है कि वाटर कंटेंट की रेंज क्या है और 0 से इन्फिनिटी लिखी है और कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें लिखा हो अपर लिमिट नहीं डिफाइंड है, तो हम उस पर टिक करेंगे। वरना जो डब हमारा वाटर कंटेंट है उसकी लिमिट क्या है, ड्राई सॉइल होगी तो वो 0 होगा, और जब और उसकी जो अपर लिमिट की बात करते हैं तो हम उसके अपर लिमिट को डिफाइन नहीं कर सकते। वेयर इज द नेक्स्ट टर्म इज एपरेंट वाटर कंटेंट। तो जब हम एपरेंट वाटर कंटेंट की बात करते हैं तो इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन, देखो लास्ट वाले में क्या बोला था कि अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल सॉलिड, बस यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सॉइल, इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सॉइल। जो सॉइल में हमारा वाटर प्रेजेंट है, जो भी अमाउंट ऑफ वाटर है हमारा, इसको शो करते हैं हम डब्लू डैश से। तो जो भी हमारा सॉइल में वाटर प्रेजेंट है उसी रेशियो को हम एपरेंट वाटर कंटेंट बोलेंगे। रेंज की बात करते हैं तो एक तो इसकी क्या है, जब हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर बिल्कुल 0 हो जाए, मतलब ड्राई कंडीशन होगी, तो मेरा जो एपरेंट वाटर है उसकी 0 हो जाएगी वैल्यू। वहीं पे अगर हम अपर लिमिट की बात करते हैं तो अपर लिमिट क्या होगा, लेस देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि वेट किसके इक्वल होता है, जो वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉइल। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरा वेट हमारा सॉइल की मतलब सॉलिड के इक्वल हो जाए, तो ये रॉक की कंडीशन हो जाएगी। और हम सॉइल की स्टडी कर रहे हैं, तो जो मेरी रेंज है वो 0 के इक्वलेंट हो सकती है, उससे ग्रेटर होगी, और 1 से लेस होगी। तो ये मेरे एपरेंट वाटर कंडीशन की रेंज है। वहीं पे कुछ रिलेशन हो सकता है, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीक्यू में कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, सॉल्व करने के लिए कि वाटर एपरेंट वाटर कंटेंट दे रखा है और हमें बेसिक वाटर कंटेंट निकालना है, तो इनके बीच में कुछ रिलेशन होने चाहिए। तो बेसिकली अगर हम रिलेशन की बात करते हैं तो हाउ वी कैन शो इट, तो जो मेरा वाटर एपरेंट वाटर कंटेंट है वो किसके बराबर होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ टोटल सॉइल, वेट ऑफ सॉइल। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर। अब अगर मैं ऊपर भी वेट ऑफ सॉलिड्स और नीचे भी वेट ऑफ सॉलिड्स से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो सकता है कि हम इसके रेशियो को एक संग ले लेते हैं और इसको हम नीचे भेज देते हैं। तो कैसे लिख सकती हूँ मैं, वी कैन राइट लाइक दिस दैट डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस, वेयर एज इट कैन बी रिटन एज डब्ल्यू एस अपॉन डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस। तो डब्ल्यू डब्ल्यू जो डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस को हम क्या लिख सकते हैं, वाटर कंटेंट, करेक्ट। और यहीं पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, हम वाटर कंटेंट। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया कि एपरेंट वाटर कंटेंट अगर गिवन है या फिर वाटर कंटेंट, तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ, इसको मैंने 1 इक्वेशन मान ली, वहीं पे अगर हम बात करते हैं, इसको ले लेते हैं डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू 1 प्लस, मतलब डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ये हो गया डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, ओके 1 प्लस डब्ल्यू। सो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू 1 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डब्ल्यू डैश प्लस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू। ऐसा करते हैं कि डब्ल्यू वाले टर्म को एक साइड ले लेते हैं, तो डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू डैश। लेट्स टेक डब्ल्यू कॉमन, सो इट विल बिकम 1 माइनस डब्ल्यू डैश, नाउ डब्ल्यू डैश, करेक्ट। तो डब्ल्यू वाटर कंटेंट इज इक्वल टू डब्ल्यू डैश एपरेंट वाटर कंटेंट अपॉन 1 माइनस एपरेंट वाटर कंटेंट। तो ये एक और फॉर्मूला हो गया, ये एक फॉर्मूला भी हमने देखा था, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। द नेक्स्ट वी कैन से नेक्स्ट वन इज टोटल वेट ऑफ सॉइल विल बी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉइल प्लस वेट ऑफ वाटर, एग्जैक्टली। तो अब मैं क्या करती हूँ, वेट ऑफ सॉइल को कॉमन ले लेती हूँ। तो वेट ऑफ सॉइल को जब मैंने कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉइल, करेक्ट। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, वाटर कंटेंट। तो टोटल वाटर जो मेरा वेट ऑफ सॉइल है विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस 1 प्लस वाटर कंटेंट। ये हमारा एक अनदर फॉर्मूला हो गया। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये डायरेक्टली हमारे एमसीक्यूज या फिर जो 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अब हमने दोनों वाटर कंटेंट को देख लिया, एपरेंट वाटर कंटेंट भी देख लिया, वाटर कंटेंट भी देख लिया, पर इस
इनमें से किसका थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस ज्यादा है और किसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ज्यादा है। तो हम जब बात करते हैं थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस की, तो अभी हमने देखा था कि वाटर कंटेंट विल बी इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, वेयर इज हमने अपेरेंट वाटर कंटेंट क्या देखा था, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ये वाले सॉरी अपेरेंट वाटर कंटेंट क्या था, वेट ऑफ सॉइल के बराबर। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्टली असर्शन रीजन में पूछ लेते हैं कि क्या वाटर कंटेंट इज हैविंग अ मोर थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस, फिर रीजन में दे देंगे कि वाई, तो हमें पता होना चाहिए। तो वाटर कंटेंट जो है, जो ये वाटर कंटेंट है डब्ल्यू, इसका थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हमने वाटर का जो वेट ऑफ वाटर है, वेट ऑफ वाटर हमने इंक्रीज किया, वेट ऑफ वाटर जो है मेरा, वाटर ऑफ वेट लिख दिया मैंने, वाह। हो सकता है कि जो वेट ऑफ वाटर है, वेट ऑफ वाटर इट कैन बी इंक्रीज, या तो मैं उसे इंक्रीज कर सकती हूँ या मैं उसे डिक्रीज कर सकती हूँ, पर जो मेरे सॉलिड का वेट होता है, जो मेरे सॉलिड का वेट है वो चेंज नहीं होता, इट डजेंट चेंज। तो वो चेंज नहीं होगा तो मुझे वाटर कंटेंट का चेंज अपने, मतलब अगर वाटर कंटेंट है इसको मैं इंक्रीज कर रही हूँ और इसको डिक्रीज कर रही हूँ और ये चेंज नहीं हो रहा है, तो मुझे वाटर कंटेंट की वैल्यू क्या अब इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है वो बहुत इजीली पता चल जाएगी। वहीं पे जब हम प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, तो एपरेंट वाटर कंटेंट इज मोर प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंट इन कंपेयर टू वाटर कंटेंट। वाई? बिकॉज सॉलिड का जो वेट है, जो सॉलिड का वेट है उसको डिटरमाइन करना इज मोर डिफिकल्ट। सो वी कैन राइट टू डिटरमाइन डब्ल्यू एस सॉइल वेल वेट ऑफ सॉइल इन फील्ड, फील्ड में इन्हें डिटरमाइन करना इज मोर डिफिकल्ट, ज्यादा डिफिकल्ट है इन कंपेयर टू पूरा वेट ऑफ सॉइल को निकालना, सॉलिड के पार्टिकल्स का वेट लेना इज मोर डिफिकल्ट इन कंपेयर टू हमारे सॉइल का वेट निकालने से। इसलिए प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस से एपरेंट वाटर कंटेंट इज मोर प्रेफरेबल, और थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस में क्योंकि वेट ऑफ सॉलिड चेंज नहीं होता है तो हमारा वाटर कंटेंट इज मोर सिग्निफिकेंट। देन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, हम वॉयड रेशियो, पोरोसिटी, उनका सिग्निफिकेंस, सेचुरेशन, एयर कंटेंट, इन सबको डिस्कस करेंगे। और आई होप आप लोगों को कंटेंट पसंद आया। थैंक यू एंड कीप शेयरिंग द लेक्चर्स।